ऐसी सेलिब्रिटी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप लोग झूम उठेंगे। और ये पाकिस्तान की वो वाहिद बच्ची हैं जिन्होंने सरकारी इदारे से पाकिस्तान को वहां रिप्रेजेंट किया। मैथ्स में मेरी टीचर मुझे कन्वे करती थी कि आप मैथ्स पढ़ो, और मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी हमेशा से। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था सबका। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आपके लिए तालीम के लिए आपके अंदर शौक होना जरूरी है। लाजमी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। आप अगर आपका शौक है तो आप सरकारी स्कूल में भी कुछ कर सकते हैं। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। हमारे सितारे के साथ आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का 76वां यौमे आजादी है। आज एक ऐसी सेलिब्रिटी मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप लोग झूम उठेंगे। ये हमारी बेटी है, तहसील हसन अब्दाल बल्कि शहर हसन अब्दाल की ऐसी बेटी जो सिंगापुर मैथ मुकाबले में कांसी का तमगा जीत कर आई है। और ये पाकिस्तान की वो वाहिद बच्ची हैं जिन्होंने सरकारी इदारे से पाकिस्तान को वहाँ रिप्रेजेंट किया। वाहिद लड़की हैं जो सरकारी इदारे से पढ़कर ये सिंगापुर मुकाबले में इन्होंने शिरकत की। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के तकरीबन 5,000 तलबा ने वहाँ सिंगापुर मुकाबले में हिस्सा लिया जो प्राइवेट स्पोर्ट्स के थे। वाहिद बेटी हैं हमारी जो सरकारी इदारे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, और कांसी का तमगा जीत कर लाई। रावलपिंडी डिवीजन अटैक और वाह कैंट, यहाँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। खसूसन जो लोग इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये हमारी बेटी हमारे हसन अब्दाल की है। ये हमारा फख्र है कि इसने 7वीं क्लास में सिंगापुर में कांसी का तमगा जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी भी वह ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, खुतीजा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुतीजा। वालेकुम अस्सलाम। खुतीजा बेटा कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा खुतीजा बेटा, हमारे लिए ये बहुत बड़ी फख्र की बात है कि आप हमारे हसन अब्दाल से ताल्लुक रखते हो, और आपने सिंगापुर में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वहां से कांसी का तमगा जीत कर आए। खुतीजा ये बताइए कि इस इतने बड़े कारनामे में किसका रोल है? अच्छा माशाल्लाह, आपने बहनों का जिक्र किया, तो आप कितनी बहनें हैं? हम 5 बहनें हैं। तो खुतीजा का कौन सा नंबर है? मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा देखिए नाजरीन, ये 5 बहनें हैं, तो ये सोच लें कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे बेटे हमारा नाम रोशन करेंगे, ऐसी बेटियां भी वालदैन के लिए फख्र का सबब बनती हैं। खुतीजा ने अपना नाम रोशन किया। अच्छा खुतीजा, मैथ में कैसे दिलचस्पी हुई? मैथ में मेरी टीचर मुझे कन्वे करती थी कि आप मैथ पढ़ो, और मुझे मैथ अच्छी लगती थी हमेशा से। अच्छा तो कैसा रिस्पॉन्स रहा खुतीजा वहां जाने का? वहां आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और आप वाहिद पाकिस्तानी लड़की हैं जो किसी सरकारी इदारे से गई, तो क्या वहां लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था सबका। एम्बेसडर के साथ आपकी मुलाकात हुई? जी हुई। उन्होंने भी बहुत कहा कि आप दोबारा आइएगा, दोबारा कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिएगा। तो अभी आप 7वीं क्लास में हैं, तो खुतीजा हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में हम खुतीजा को कहां देखेंगे? क्या हमारी बिटिया असिस्टेंट कमिश्नर बनकर हमारे सामने आएगी या डॉक्टर बन के सामने आएगी? खुतीजा को हम किस रोल में देखेंगे? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूं। माशाल्लाह जी, ये हमारी बिटिया इंजीनियर बनना चाहती है। ये बताइएगा कि माजी में यानी कि आपने क्लास 1, 2, 3, 4 में भी कोई पोजीशन ली या फर्स्ट टाइम आपको ये मेडल मिला? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा खुतीजा ये बताएं कि बेटा आपने इतनी जगह जाके, इतना दूर जाके, सिंगापुर जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस वक्त जो हमारी बेटियां आपका प्रोग्राम देख रही हैं, जो ये कंफ्यूज होती हैं कि हमारी दोस्तें अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रही हैं और हम एक सरकारी इदारे में पढ़ रही हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहोगी कि तालीम के लिए क्या प्राइवेट इदारे का ही होना जरूरी है? नहीं, आपके लिए तालीम के लिए आपके अंदर शौक होना जरूरी है। लाजमी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। आप अगर आपका शौक है तो आप सरकारी स्कूल में भी कुछ कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो
अच्छा, अभी फ्यूचर्स प्लान्स में भी कोई है, आप किसी मुकाबले में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जी, एक मैंने लिया हुआ है साइंस क्विज में। अच्छा माशाल्लाह, ये हमारी बच्ची हमजद शख्सियत है। अभी इसने मैथ के मुकाबले में सिंगापुर में इस कांसी का तगमा जीता, अभी ये साइंस क्विज में भी हिस्सा ले रही है। जो बेटियां, जो बहनें इस वक्त घर में हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, उन्हें मैं ये कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगी तो आप मुल्क का नाम रोशन करेंगी। ये हमारी बच्ची एक हमारी तरह के मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और इन्होंने अपने वालिद का नाम न सिर्फ हसन अब्दाल बल्कि पूरे पाकिस्तान पे इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन किया, और ये पाकिस्तान की वाहिद बच्ची है जिसने सरकारी इदारे से नुमाइंदगी की। मैं आपको यही कहूंगा खुतीजा हमारी मिसाल है, इसको देखें, इस बच्ची को देखें, सातवीं क्लास में इसने अपने मुल्क का नाम रोशन किया और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे जाके भी हमारे लिए मशाल राह बनेगी। खुतीजा कोई और पैगाम देना चाहेंगी? आपने अगर पढ़ना है तो लाजमी नहीं है कि आप सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, आपके अंदर शौक होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए शनासा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खुतीजा के लिए बहुत सारी दुआएं करें। बहुत शुक्रिया, फी अमानिल्लाह।